खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा। पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज और गोभी पत्ता। इन सब को मिलाकर हम बनाएंगे पिज्जा। ये हमने पिज्जा बेस लिया हुआ है, आप चाहे तो इसे भी घर में बना सकते हैं और बहुत ही आसान है मैदा से इसको बनाना। पिज्जा में हमने एक चम्मच घी लगा दिया है। अब हम इसमें सॉस लगाएंगे। हमने पिज्जा बेस में चिली सॉस लगाया है। अब टमाटर सॉस लगाएंगे। पिज्जा में डालने के लिए चीज को हम कद्दूकस से कस लेंगे। अब हम इसके ऊपर चीज डालेंगे। अब जो सब्जियां काटी हैं वो लगाएंगे। हम इसमें लगाएंगे जो हमने सब्जियां काटी हैं, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च। अब हम ऊपर से भी चीज डालेंगे। ऊपर से हमने इसमें जीरा और काली मिर्च पिसी हुई डाली है, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हमने गैस पे तवा चढ़ा दिया है और तवा में थोड़ा हमने घी लगाया है। अब हमने जो पिज्जा तैयार किया है उसको इसमें रख देंगे। ये हमने पिज्जा को तवा में रख दिया है और अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे ढककर और गैस को धीमा कर देंगे। आप देख सकते हैं पिज्जा पककर तैयार है। तो हमारा गर्मा गर्म पिज्जा तैयार है, लाजवाब। वाह, देखकर लग रहा है कितना जल्दी खाने को मिल जाए। अब हम इसको बीचों बीच से पीसेस काट लेंगे। हम ऐसे पीसेस काट लेंगे। ये देखिए, ये पिज्जा बनकर तैयार है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।